एवरीवन, ममापीडिया में मैं अविका आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को पेरेंटिंग के बारे में कुछ झूठी और सच्ची बातें बताऊंगी जो हम लोग आए दिन सुनते तो हैं लेकिन पता नहीं चलता कौन सी ठीक है और कौन सी गलत। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। कभी भी ना नहीं बोलना। अभी ये एक चीज है जो मुझे कभी समझ में नहीं आई। बच्चों से हमें बहुत प्यार होता है और हमारी एक आदत होती है कि हम हमेशा अपने बच्चों को अपने से आगे रखते हैं और ऊपर रखते हैं, लेकिन इस चीज के दो बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। पहली चीज, अगर आप नए नए पेरेंट बने हैं तो कुछ दिनों बाद आप थक जाएंगे क्योंकि आप किसी को हमेशा इम्प्रेस नहीं कर सकते और बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं। तो आपको लगना शुरू हो जाएगा एक रिग्रेट, एक दुख होना शुरू हो जाएगा कि अरे मैं अपना पूरा टाइम इस बच्चे को देती हूँ लेकिन फिर भी ये ऐसे कर रहा है, फिर भी ये वैसे कर रहा है। तो नहीं, अपने बच्चे को हमेशा अपना पूरा टाइम मत दीजिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने लिए भी। दूसरी चीज जो इससे खराब होती है वो है ये कि बच्चे को लगने लगता है कि वो बहुत ज्यादा स्पेशल है और उसकी हर मांग उसी टाइम पे पूरी करी जाती है। तो जैसे अगर आप एग्जांपल लें तो अगर आप किचन में काम कर रहे हैं और आपका बच्चा क्रेयॉन्स लेके आपके पास आके बोलता है कि मम्मी चलो 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 मुझे कलरिंग करनी है, उस टाइम पे आप रुकिए और अपने बच्चे को बताइए कि मम्मा अभी काम कर रही हैं, 10 मिनट रुकने के बाद आप जाके उसके साथ कलरिंग करेंगी और खेलेंगी। इस तरीके से बच्चे को समझ में आता है कि नहीं, सबका काम इम्पॉर्टेंट है, उसके अंदर एक पेशेंस डेवलप होता है और उसे समझ में आता है कि बाकी लोगों का जो रूटीन है उसकी भी रिस्पेक्ट करना जरूरी है। टॉयलेट ट्रेनिंग और डिसिप्लिन। अभी डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है या एक वर्ड है जिसको हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि अरे इसमें बहुत स्ट्रिक्टनेस होगी और गुस्सा होगा। इसी चीज का आपने ध्यान रखना है, ये एक बहुत बड़ी मिथ है। टॉयलेट ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है जो जितनी जल्दी शुरू करी जाए उतनी ही अच्छी होती है, लेकिन मैंने खुद के अपने बेटे में देखा है कि इसका सक्सेस रेट थोड़ा सा कम भी हो सकता है। एज अ पेरेंट आपकी ड्यूटी बनती है कि आप कोशिश करते रहें और एक तरीके का रूटीन लाते रहें अपने बेबी की लाइफ में। लेकिन अगर आपका बेबी एक सर्टेन एज तक डिसिप्लिन में नहीं आता है या टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं होती है तो प्लीज उससे नाराज मत होइए। हर बच्चा अलग होता है और धीरे धीरे उसके अंदर भी एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा। रिश्वत देना। अभी रिश्वत देना तो भाई गलत बात है, लेकिन उससे बड़ी गलत बात होती है कि बच्चों के साथ और पेरेंटिंग के दौरान ये रिश्वत वाला वर्ड यूज करना। इसके बजाय मैं बोलूंगी कि आप रिश्वत ना यूज करके आप बोलिए कि आप अपने बच्चे को इंसेंटिव दे रहे हैं या इनाम दे रहे हैं। और उसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका बच्चा आपका होम और इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने बच्चे को बोलेंगे कि अगर आपने अपना होमवर्क इस टाइम पे खत्म कर लिया तो आप उसको खेलने के लिए 15 मिनट और देते हैं। अगर आप अपने बच्चे को मटेरियल चीजें देंगे जैसे कि खिलौने और चॉकलेट तो ऐसी चीजों से उसकी उम्मीदें हर बार बढ़ती रहेंगी। लेकिन अगर आप नॉन मटेरियल चीजें देंगे जैसे कि अपना टाइम देंगे, उसको एक किताब लाकर देंगे या उसको ऐसी चीजें सिखाएंगे या उनको खेलने का मौका देंगे तो उस टाइम पे उस बच्चे को लगेगा कि उसको एक इंसेंटिव मिल रहा है, एक पॉजिटिव चीज मिल रही है एक चीज करने पर। तो कई जगह पर ये जो ब्राइब है ये काफी हद तक काम करती है और काफी अच्छी होती है। और अब आखिरी चीज, क्या मेरे बच्चे का फेलियर मेरा फेलियर है? तो नहीं, ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो माँ बाप अपने आप को बोलते रहते हैं तब से जब उनका बच्चा पैदा होता है और तब तक जबकि वो बच्चा खुद 50 या 60 साल का नहीं हो जाता। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने अपने बच्चे का ध्यान रखना है, उसको वो सब सहूलियत देनी है, उसको समझाना है कि अच्छा और बुरा क्या है, लेकिन क्या उस एक्टिविटी के बाद वो बच्चा पास होता है या फेल होता है वो उस बच्चे पे निर्भर करता है, आपकी परवरिश पे निर्भर करता है। लेकिन उसकी जो सक्सेस और फेलियर है वो आपकी सक्सेस और फेलियर कभी नहीं बन सकती। तो ये थी कुछ खट्टी मीठी बातें जो हमें कभी सच और कभी झूठ लगती हैं और जिस हिसाब से मुझे जो सच्चा लगा मैंने आपको बताया। अगर ऐसी कोई चीजें हैं जो आपको लगता है आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आपको ठीक या गलत लगती हैं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज देखते रहिए ममापीडिया। बाय।